बहुत सारे लोगों की एक जमा एफर्ट्स थी जब ये काम हुआ था। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, इस बात से खुश हूँ कि एक ऐसी चीज़ हमने सामने लाई जो लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं नॉलेज थी। 1990 में इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी को इसके बात के बारे में किसी ने बात भी नहीं की, तो बहुत अच्छा लगता है जब एक रियल लाइफ को रील के पर्दे पर ला के लोगों के सामने रखें। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि कई लोगों ने जब फिल्म देख के निकले तो उनका कहना है कि थैंक यू फॉर एडुकेटिंग अस अबाउट दिस। इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे ध्यान दें कि ये इतने करोड़ और इतना बिजनेस और ये मुझे बस यही बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसे कि अक्षय ने कहा कि लोग जो हैं वो थिएटर्स पे जा रहे हैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म देखने के लिए। एक स्टोरी है जो एक कहानी है जिसको देखना लोग पसंद कर रहे हैं, अपना वीकेंड वहाँ पे बिताना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि एक लोगों ने एक चॉइस करी है कि एक अच्छी फिल्म जाके वो देखेंगे, वो बहुत एक खुशी की बात है। ही वॉज अ वेरी बिग डायरेक्टर एंड एन एक्टर, ओके, एंड यू कैन नॉट कंपेयर। वॉट ही डिड वॉज इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू अचीव। मैंने कोई इसमें रिसर्च नहीं की, डायरेक्टर ने कई लोगों से मिला जो फंसे हुए थे और उनसे मिला, बातचीत की, उनका माइंडसेट पढ़ा, वही मेरी रिसर्च थी, ज़्यादा नहीं किया। क्योंकि मेरे डायरेक्टर इस फिल्म के साथ करीबन 3-4 साल से ऑलरेडी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके भी कई रिश्तेदार, उनके भी कई लोग फंसे हुए थे उसमें, तो जितनी रिसर्च करनी थी उन्होंने की थी और जितना भी नॉलेज आया वो उनकी तरफ से ही आया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दैट्स इट। मैं क्या बाकी जो 170,000 लोगों को बचाने में काम किया था उन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा तोहफा दिया लोगों को। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक इतना अच्छा तोहफा मिला ये फिल्म करने का, ये फिल्म प्रोड्यूस करने का, इस फिल्म के अंदर काम करने का, एंड आई एम हैप्पी। आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट, इट इज़ टू अर्ली फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग टू थिंक अबाउट इट येट, एंड आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट विच आई कैन रिलीज इट ऑन दैट डे।